प्रतापगढ़ में मौत बांटने वाली जहरीली शराब का एक ऐसा सच सामने आया है जो डरा रहा है, खाकी के दामन में दाग लगा रहा है, क्योंकि जिले में लोगों को मौत को शक्ल में बांटे जाने वाली शराब खुद पुलिस की सरपरस्ती में न केवल बेची जाती थी बल्कि बनती भी थी, और माफिया हर महीने ईमानदारी के साथ पुलिस का हिस्सा पहुंचाते थे। इस पूरे खेल में कई पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं। पुलिस के संरक्षण में बांटी जा रही थी मौत, खाकी सरपरस्ती में जहरीली शराब का कारोबार। कुछ दिन पहले की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पुलिस अधिकारी गुनहगारों को तलाश रहे थे, ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही थी, क्योंकि प्रतापगढ़ में जहरीली शराब ने एक साथ कई जिंदगियों को तबाह कर दिया था। शराब माफिया को पुलिस अधिकारियों का संरक्षण, उच्च अधिकारियों की सीक्रेट जांच पे हुआ बड़ा खुलासा। जहरीली शराब कांड के बाद से पुलिस ने कई छापेमारी, अवैध शराब के गोरख धंधे में शामिल लोगों को पकड़ा, कई प्यादों को भी पकड़ा गया, लेकिन सबसे बड़ा खिलाड़ी तो पुलिस की गोद में ही बैठा मिला। प्रतापगढ़ के चर्चित शराब कांड में सनसनीखेज और बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हाई लेवल पर कराई गई गोपनीय जांच में शराब माफियाओं और पुलिस वालों के गठजोड़ की बात सामने आई है। थानों के पुलिस वाले तो इन माफियाओं से मिले ही हुए थे, साथ ही सीओ और एडिशनल एसपी रैंक तक के अधिकारियों की मिलीभगत की बात भी सामने आई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुलिस के बड़े अधिकारी बाकायदा इन माफियाओं से हर महीने पैसे वसूलते थे और इन्हें संरक्षण देते थे। इतना ही नहीं, पुलिस के कई रिटायर्ड अधिकारी भी इनसे मिले हुए थे। इन सारी तस्वीरों में एक बात कॉमन है, वो ये कि ये सारे लोग उसी इलाके की कमान संभालने वाले पुलिस अधिकारी, जहां अब तक का सबसे बड़ा जहरीली शराब का जखीरा बरामद हुआ है। हतिकवा और कुंडा क्षेत्र के थाना अध्यक्ष से लेकर सर्कल ऑफिसर और एसपी तक जहरीली शराब के इस खेल में सबसे बड़े खिलाड़ी निकले, और इन सबको एक चेन में बांधने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि शराब माफिया संजय सिंह और गुड्डू है। माफिया और पुलिस के बीच बड़ा गठजोड़, पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहा था गोरख धंधा, एएसपी तक को जाता था गोरख धंधे का पैसा, गुंडा और हथिकवा थाने में हर महीने पहुंचता था पैसा, कई रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी खेल में थे शामिल। पुलिस के संरक्षण में बनाई जाती थी जहरीली शराब, बदले में हर महीने अधिकारियों को पहुंचता था हिस्सा, गाड़ी और अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराते थे माफिया। पिछले दिनों जहरीली शराब के खिलाफ चलाए जा रहे आईजी लेवल के अभियान में हथिकवा थाना क्षेत्र में एक अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसमें स्प्रिट के जरिए जहर बनाया जा रहा था, जिसकी सप्लाई की पूरी तैयारी थी। इस फैक्ट्री को लेकर जब जांच की गई तो इस फैक्ट्री के कनेक्शन शराब माफिया सुधाकर सिंह और संजय सिंह से मिले। उधर प्रयागराज रेंज से कराई जा रही जांच में भी हकीकत सामने आई, ये लोग स्प्रिट से शराब बनाकर उन्हें नामी कंपनियों से मिलते जुलते नामों के साथ बोतल में भरकर बेचते थे। संजय और सुधाकर के फार्म हाउस पर हुई थी कार्रवाई, करीब 10 करोड़ की शराब आईजी ने की थी जब्त। शहर के कारोबार में कई रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल, हथिकवा थाने से कुछ ही दूरी पर चल रही थी फैक्ट्री। ये सारा खेल स्थानीय पुलिस से लेकर एएसपी और कई रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों तक फैला हुआ है। जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होने के बाद अब जिले के कई अधिकारियों को हटाए जाने की सिफारिश शासन से की गई है, जिसमें एएसपी, सीओ और थाना अध्यक्ष भी शामिल हैं। इनका नेटवर्क सोनभद्र से लेकर लखनऊ और प्रयागराज से लेकर कुंडा तक फैला हुआ था, और यही वजह है कि कभी इनके मामलों का खुलासा नहीं हो सका था। बहरहाल गोपनीय जांच के आधार पर अब सीओ और एडिशनल एसपी रैंक तक के अफसरों को हटाने, उन्हें सस्पेंड किए जाने और उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की गई है।
उम्मीद जताई जा रही है कि अगले दो दिनों के अंदर प्रतापगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल हो सकता है। शराब माफिया के तौर पर बदनाम दोनों मुख्य आरोपी संजय सिंह उर्फ गुड्डू और सुधाकर सिंह अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। जांच में खुलासा हुआ है कि कई रिटायर्ड अधिकारी इन माफिया को छिपने में मदद कर रहे हैं। बहुत जल्द इस मामले में कई और सफेदपोश चेहरे बेनकाब होने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही उम्मीद है कि जिन अधिकारियों के नाम सामने आ चुके हैं उन पर आने वाले दिनों में गाज गिर सकती है और हो सकता है कि शासन की तरफ से इनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया जाए। पूर्व रसूखदार मंत्री के परिवार वालों पर भी इन शराब माफियाओं को बचाने का आरोप लगा है। हालांकि उस मामले में जांच अभी जारी है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, कुंडा, प्रतापगढ़।